फ्रेंड्स नमस्कार, मैं एक इजा आप सभी लोगों का लेक्सिकन इंग्लिश टीचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है उस सारे छात्र एवं छात्राओं के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इससे बेहतर मौका कोई आ ही नहीं सकता है। SSC, CGL, CSSL, MTS, CPO, स्टोनो और GD को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया है जो अब तक आप देखे होंगे। हाँ जी, SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टोनो, MTS, SSC, GD को लेकर के बहुत बड़ा वैकेंसी का खुलासा किया है। मोर देन 70,000 वैकेंसीज इन द ईयर जो 2024 तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर भाई, CGL, SSC 2022 वैकेंसीज का बौछार आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वादा पूरा किया। 70,000 वैकेंसी जो फिल करने के लिए बोला गया था SSC डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका अवसर अब आ चुका है। अब सभी लोग देखिएगा, सबसे पहले तो वैकेंसी का पिटारा जो खोलते हैं, छोटा सा मछली, सबसे पहला मछली जो आपके लिए है SSC GD, 24,600 वैकेंसीज। माई गॉड, 24,600 वैकेंसीज। SSC सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, शानदार। आप देखते हैं MTS, 4,682 वैकेंसीज, 4,682 वैकेंसीज MTS के लिए। ये सारा टेंटेटिव है, इससे आगे हो सकता है, पीछे नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इससे वैकेंसीज बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं होंगे। CHSL 2,960 वैकेंसीज और CPO 4,300 वैकेंसीज। मैंने जब से होश संभाला और तैयारी करवाना शुरू किया, मेरे करियर में तो SSC ने इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं दिया था, ये आप यकीन मान लीजिए। इतना वैकेंसीज दिया गया है। इसके बाद आप देख लीजिए, सबसे बड़ा मछली की बात करते हैं, सबसे बड़ा मछली हो गया आपका CGL। CGL 20,814, ये 25,000 के इर्द गिर्द है और कहा जा रहा है कि आने वाला समय भी 28, 29, 30 भी हो सकता है। ये CGL सबसे बड़ा मछली यही है। और एस्टोनो, माय डियर फ्रेंड्स, स्टोनो 2,143 आपके नजर के सामने सारे वैकेंसीज हैं। और ऐसे आप लगा लीजिए तो 55-60 हजार से ज्यादा हो जाते हैं। 24,000 सिर्फ SSC GD, और आप देखेंगे CGL 20,000, ये 44,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं। 4 2 6 10 2 12 ऐसे अगर काउंट कर ले तो लगभग 55-56 हजार से ऊपर वैकेंसीज यहां पे, ये टेंटेटिव है, इससे आगे ही बढ़ेगा। बहुत सुनहरा मौका है उन सारे छात्र एवं छात्राओं के लिए जो SSC का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स से लेकर के साइंस सेक्शन पर कमांड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आप इसको मिस मत करें, सारे वैकेंसीज आ गए हैं। देखो SSC मोर देन 70,000 वैकेंसीज, बंपर रिक्तियां आई है, बंपर वैकेंसीज है। इससे बंपर वैकेंसीज ना हमको देखने को मिले थी, आगे पता नहीं क्या देखने को मिलेगी कि नहीं, लेकिन ये तो श्योर गारंटी है कि इससे पहले देखने को नहीं मिली थी SSC के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के द्वारा। ऊपर से दूसरी बात, इस बार आर नहीं तो पार से यहां तीरे नजर, एकदम जान झोंक दीजिए भैया, जान धो झोंक दीजिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, समझ लेना। इतने पद में भी एक अगर पद नहीं ले पाते हो, एक रिजल्ट अगर नहीं दे पाते हो, तो फिर तैयारी आपकी जीरो है। आप किसी भी, आपको फिर से आकलन करने की जरूरत पड़ेगा। यू कांट स्टैंड विथ एनीवन, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए आपका किसी न किसी पद में, MTS में, CHSL में, CPO में, CGL में, किसी भी पद में एक तो रिक्तियां आपके लिए है और वो आपको ही मिलनी चाहिए, ये ठान लीजिए, मान लीजिए और एकदम बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए और एकदम सन्यासी का रूप धारण करके एकदम तैयारी करना शुरू कर दीजिए भैया। बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा अवसर है। आप बेरोजगार बेरोजगार करते रहते हो, टैलेंट अपने अंदर लाइए और 70,000 वैकेंसीज में आप सोच सकते हो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा रिजल्ट दिए जाएंगे। 3 गुना रिजल्ट देता है, 5 गुना रिजल्ट देता है। अगर 4-5 लाख में भी आपका अगर एक रिजल्ट नहीं आता है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका तैयारी जीरो है, आप पढ़ते नहीं है। यू आर चीटिंग योरसेल्फ, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगली चीज क्या है,
इस बार मौका को जाने ना दे भाई, ये मौका बार बार नहीं आएंगे, पता क्या इससे ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएंगे, बहुत दिन बाद आया। इस चीज पर ध्यान दीजिए, मोर देन 70,000 इसका प्लस पॉइंट्स क्या है? अगर आप तैयारी करते हो तो प्लस पॉइंट क्या है आप याद रखेंगे, सारे वैकेंसीज जो हैं, ये सारे जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन तैयारी। बड़ा मछली का तैयारी अगर करते हैं तो छोटा मछली मछली को ऐसे ही आप निकल जाएंगे, बड़े मछली को पकड़ लीजिए, बड़ा मछली पकड़े नहीं कि छोटा मछली अपने आप पकड़ा जाएगा। अगर इसका तैयारी करते हैं तो ये सब आसान है, अगर आप यहां से भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप तैयारी करके एक पद ही आपको लेना है, एक रिजल्ट ही लेना है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्लस पॉइंट्स क्या है देवी और सज्जनों? प्लस पॉइंट्स पहला प्लस पॉइंट है, एक बार एग्जाम की तैयारी और कई पोस्ट एग्जाम दो बारी बारी, भैया एक ही तैयारी लेकिन कई पोस्ट के लिए एग्जाम दो बारी बारी, सोचिए ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है इसका? दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है 2023 से लेकर के 2024 तक बन जाओ एक पद का मालिक, एक जॉब होल्डर बन जाओ। डेयर टू ड्रीम टू द एक्सट्रीम, सपना देखिए और उसको पूरा करने का प्रयास करिए, और एक अपने परिवार को एक नया नाम दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, हार नहीं तो पारसैया तीरे नजर, जागो बद्स, जागो पार्थ, जागो कुछ करो। मैथ्स स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, जीके जीएस स्ट्रांग है, या रीजनिंग स्ट्रांग है, ये मायने नहीं रखती है, सबको स्ट्रांग बनानी है। समय कम नहीं है, समय बहुत है, बस ठान लीजिए पूरा सारा जहान आपका मान लेगा, ये बात हमेशा याद रखा करिएगा। तीसरा प्लस पॉइंट, जिस दिन आपका बेरोजगारी दूर हो जाएगा आप खुद बखुद लोगों में, याद रखिए जिस दिन आपका बेरोजगारी दूर हो जाएंगे आप खुद बखुद लोगों के नजरों में मशहूर हो जाएंगे, इसलिए मशहूर होने का प्रयास करिए। बउआ अजय सर का एक ही कोटेशन है आपके लिए, एक संदेश है आपके लिए, एक संदेश है अजय सर का, याद रखिएगा, संदेश आपके स्क्रीन पर है कि आप तब तक ही लेट हैं जब तक आप किसी चीज की शुरुआत नहीं कर देते हैं। ये मत बोलो कि लेट हो चुकी है, आप तब तक ही लेट हैं जब तक किसी चीज की आप शुरुआत नहीं कर देते हैं। जिस दिन आप किसी चीज की शुरुआत कर दिए, मान लीजिए उसी दिन से आपकी शुरुआत हो गई, और किसी चीज में लेट होता नहीं। हम लोग अंजाम बहुत बेहतरीन दे सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भूतकाल में जाकर के पुरानी चीजों को स्टार्ट नहीं कर सकता और उसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति वर्तमान में किसी चीज की अच्छी शुरुआत दे करके अच्छी खात्मा भी दे सकता है। इसीलिए जागो पार्थ, जागो, कब तक सोए रहोगे, जागो, परिश्रम करो, नींद त्यागो, आलस त्यागो, और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संघर्ष रत्न हो जाओ, सब कुछ आपके बस में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।